गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय भोले की। आज मैं भुवनेश्वर आया हूँ और एक्चुअली मैं कल ही आया हूँ और आज संडे है, तो आज जो मेरा काम था ऑफिशियल वो तो आज नहीं हो पा रहा, तो जिसके वजह से आज मैं घूमने चला आया हूँ। ये खंडगिरी है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा खंडगिरी। इस खंडगिरी के बारे में मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पे देखिए कैसे पत्थर को काट कर गुफा बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है पत्थर पे, पानस गुफा। खंडगिरी के बारे में बताया जाता है कि 350 ईसा पूर्व यहाँ पे बौद्ध धर्म के जैन भिक्षुओं द्वारा यहाँ पे उनके पढ़ाई लिखाई और उनके रहने के लिए ये इन गुफाओं का प्रयोग किया गया। पीछे मेरे देख सकते हैं ये है जैन मंदिर। मेरे चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ को काट काट कर देखें कैसे गुफा तैयार किया गया है। ये बाघा गुफा आपको दिखा दें, देखिए इसका आकृति, ये बाघा गुफा का आकृति देखिए, वाओ बहुत ही शानदार। गुफा के अंदर बिल्कुल साफ सुथरी जगह। बाघा गुफा के ठीक बगल में एक जबलेश्वर गुफा, ये जबलेश्वर गुफा आप यकीन नहीं करेंगे, ये देखिए पत्थरों को काट कर कैसे ये चीज बनाया गया है। मतलब जितनी भी तारीफ कर लूं सब कम पड़ जाते हैं। हर एक पत्थरों में गुफा बनाया गया है, हर एक पत्थर साक्षी है उन बौद्ध भिक्षुओं का, उन कारीगरों का जो ऐसे महान पत्थरों को काट कर बनाया गया है। कहा जाता है कि उन जमानों में यहाँ पे कुछ मंदिर बनने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो मंदिर पूरा नहीं हो पाया, जिसके वजह से आप देख सकते हैं ये आधा अधूरा लेआउट छोड़ दिया गया है। ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं पूरा मंदिर का जैसे लेआउट होता है ठीक वैसे ही यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और यहाँ से मेरे पीछे अगर देखें तो ये पूरा का पूरा व्यू जो है उदयगिरी का है, बौद्ध भिक्षु का मंदिर, जैन मंदिर। खंडगिरी पे काफ़ी वीडियो बना लिया, अब मैं चलता हूँ उदयगिरी में और उदयगिरी में आपको दिखाता हूँ वहाँ पे कैसा है क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ, सी यू, बाय बाय।